हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स चैप्टर नंबर 8। ऑन 1 जनवरी 2016 अ पब्लिक कंपनी इशूड 12% 1000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट। द अमाउंट वॉज कॉल्ड अप एज ₹5 ऑन एप्लीकेशन, ₹35 ऑन अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, मतलब जो डिस्काउंट है वो इसमें नहीं जुड़ा है, ₹50 ऑन फर्स्ट कॉल ऑन 30th September, टोटल ₹90। इन सब का टोटल है ₹90, मतलब जो ₹10 का डिस्काउंट देना है वो इस पर जुड़ा नहीं है। तो एक पब्लिक कंपनी है जिसने 1000 डिबेंचर्स इशू किए हैं और अमाउंट है 5, 35 और 50। ऑल डिबेंचर्स वर वॉट बाय डिबेंचर होल्डर्स एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 5th February। यहाँ पे अलॉटमेंट कब हुआ उसकी डेट दी हुई है। ऑल ड्यू अमाउंट वॉज रिसीव्ड ऑन कॉल्स, जितना भी बाकी पैसा था वो कॉल पर रिसीव हो गया, मतलब यहाँ पे कोई भी कॉल इन एरियस नहीं हुआ। डिस्काउंट अमाउंट वॉज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका एनालिसिस टेबल। तो आपको पता ही है यहाँ पे आता है ड्यू रिसीव्ड और एडजस्टमेंट। सबसे पहले लिखेंगे ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में कितने डिबेंचर्स इशू किए गए हैं, 1000। तो यहाँ पे लिखिए 1000 और एप्लीकेशन का मनी कितना है, ₹5। तो 1000 × 5 हो जाएगा 5000 और रिसीव्ड का अमाउंट भी है 5000 और यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट में क्या करेंगे कि 35 रुपीज़ जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट है वो लिख देंगे। तो 1000 × 35 = 35000। इसी के साथ यहाँ पे हम डिस्काउंट भी दिखाएंगे, 1000 × 10 रुपीज़, तो 10000 का यहाँ पे क्या आ गया, डिस्काउंट। और यहाँ पे हमें 35000 रिसीव हो गए, यहाँ पे हम डिस्काउंट लिख देंगे। इसी के साथ हम यहाँ लिखेंगे ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 1000 × कितना रुपीज़ है फर्स्ट कॉल का, 50, 1000 × 50 = 50000। हाँ, तो हमने फर्स्ट कॉल का 50000 यहाँ पे लिख दिया, हमें रिसीव कितना हुआ 50000, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसी के साथ हमने जो एनालिसिस टेबल है हमारा बन गया है और इसकी जो टोटलिंग है वो 1,90,000 आ रही है और आपका जो बुक है बुक में 2 लाख दिया हुआ है, तो उसमें मिसप्रिंट हो गया है। मैंने इस क्वेश्चन को किया हुआ है तो इसकी जो टोटलिंग है वो 1,90,000 ही हो रही है, क्योंकि हमने जो जितने एग्जांपल्स और जितने इसके क्वेश्चन किए हैं उसी हिसाब से क्वेश्चन करने के बाद इसका 1,90,000 आ रहा है। अगर हम इस डिस्काउंट को इधर साइड रिसीव्ड में भी शो करेंगे तब इसका आंसर 2 लाख आएगा, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। सिर्फ यहाँ पे 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो इससे आप घबराइएगा नहीं। तो चलिए देख लेते हैं जनरल एंट्रीज। तो ये रही आपकी जनरल एंट्रीज। सबसे पहले आएगी एप्लीकेशन की, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो हमारी जो एप्लीकेशन का मनी है वो है 5000, तो हम लिख देंगे 5000 टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 5000। इसी के साथ हम नरेशन लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। इसी के बाद 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन 5000, ये इसकी ड्यू की एंट्री है। टू डिबेंचर्स अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू,
12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो हमको डिबेंचर्स जो है कितने के रिसीव हुए हैं, हमें डिबेंचर्स रिसीव हुए हैं 35,000 के, डिस्काउंट कितने का है 10,000 का। तो हम यहाँ पे कितना हमें रिसीव होना चाहिए था 45,000 रुपीस, तो इतना हमें रिसीव होना चाहिए था और इतना ही हमें रिसीव हुआ। मतलब कितना हुआ, 35,000 रिसीव हुआ, 10,000 का हमने क्या कर दिया यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया है। इसी के बाद नीचे इसी की ये क्या है, रिसीव्ड की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 35,000 से टू डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 35,000 से, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। यहीं पे फर्स्ट कॉल की भी एंट्री करनी है, तो एंट्री होगी 12% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, तो कितने से डेबिट होगा 50,000 से। यहाँ पे डिस्काउंट की एंट्री नहीं आएगी। इसी के बाद आप लिख दीजिएगा टू डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, तो क्या होगी फर्स्ट कॉल की एंट्री, 12% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 से, टू डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट 50,000 से, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फिर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट 50,000 से। तो ये हो जाएंगी हमारी सारी की सारी एंट्रियाँ। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब डिबेंचर्स के आगे क्वेश्चन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, डिबेंचर्स से आपसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, आपसे शेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और शेयर अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो डिबेंचर भी आपसे बन जाएगा। सिर्फ आपको शेयर की जगह पे डिबेंचर ही लिखना होता है, बाकी जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो बिल्कुल शेयर्स के जैसा होता है। तो यही थी आपके डिबेंचर्स के आगे के क्वेश्चंस, तो आप देख लीजिएगा। मैंने इसलिए आपको इसका बता दिया कि 10,000 का इसमें डिफरेंस आ रहा है, आपकी बुक में 2,00,000 का है, और आप हम जब करेंगे तो इसका आंसर 1,90,000 आएगा, और यहाँ पे जो 45,000 लिखा है यहाँ 35,000 ही आएगा। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था ऊपर 48,000 था, तो हमने यहाँ पे भी 48,000 ही, 96,000 था तो हमने यहाँ पे भी 96,000 ही लिखा था। यहाँ पे भी 35,000 ऊपर है तो हम यहाँ पे 35,000 ही लिखेंगे। इसी के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो ये एंट्री आप देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।